ओके तो चलें स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास। आज हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी ऐप का शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं स्लाइडर के अंदर। देखें विंडोज 10 के अंदर किसी भी ऐप जो आपके पास यहाँ स्टार्ट मेन्यू में नजर आ रही है उसका शॉर्टकट अगर आपको यहाँ बनाना है तो सिंपली आपने क्या करना है, उस ऐप पर जाकर आपने राइट बटन दबाना है और उसको कहना है पिन टू स्टार्ट, पिन टू स्टार्ट। तो आप देखेंगे कि उस ऐप का आइकन आपको यहां नजर आने लग जाएगा। वन सेकेंड देखें, राइट पिन टू स्टार्ट, और यहां पर अब आप इसको यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब यहां से भी चला सकते हैं। इवन इवन अगर हम कोई छोटी मोटी ऐप देख लें जैसे कॉर्टाना है या क्लॉक की ऐप है, इस पर राइट बटन दबाया पिन टू स्टार्ट कर दिया, अब यहां से क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा ये आपके सामने, और जब भी आप खोलेंगे ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। वंस अगेन अगर आपको इसको यहाँ से रिलीज करना है तो आप क्या करेंगे, राइट बटन दबाएंगे और इसको कहेंगे अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, तो आप देखेंगे यहाँ से वो गायब हो जाएगा। सिमिलरली इसको करके देखते हैं, राइट बटन अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, तो ये भी यहाँ से गायब हो गया। अब आप यहाँ पर किसी ऐप का कैसे शॉर्टकट बनाएंगे इस जगह पर टास्क बार में, इसके लिए क्या करेंगे, उस ऐप पर राइट बटन दबाएंगे लेट सपोज इस पे, और उसको कहेंगे मोर, मोर पे जाके आप उसको कहेंगे क्लिक करेंगे पिन टू टास्क बार, पिन टू, तो ये इसका आइकन यहाँ पर ऐड हो जाएगा एज अ शॉर्टकट के तौर पे। वंस अगेन देखें, इस ऐप का मुझे शॉर्टकट बनाना है, राइट मोर पिन टू टास्क बार, तो ये देखिए इसका आइकन यहाँ लोड हो गया। अब मुझे बार बार वहां जाके खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि यहीं से क्लिक करूंगा और देखिए ये ऐप यहाँ से लॉन्च हो जाएगी, दोनों साइड आ जाएगी, क्लिक करके इसको हम और क्लोज कर देते हैं और ये भी देखिए यहाँ से क्लिक करके ये यहाँ से लॉन्च हो जाएगी, सही है। और उसको यहाँ से रिलीज करने के लिए राइट बटन दबाएंगे और उसको कहेंगे अनपिन फ्रॉम टास्क बार, और यहां से भी राइट बटन दबाएंगे अनपिन फ्रॉम टास्क बार, इस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ये?